न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्षा सिंह ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, चालू जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन, जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों के घर जाकर ली जानकारी, प्रेस वार्ता में विकास कार्य की दी जानकारी, अमर शहीद बिस्मिल उल्ला व सिंह का बलिदान दिवस मनाया, ईवीएम मशीन खराब ग्रामीण परेशान, पंचमुखी पर्वत पर जारी होने वाले खनिज पट्टों पर हाईकोर्ट की रोक, नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का स्वागत समारोह आयोजित, घरों की छतों पर पोल लगाकर निकाली हैवी विद्युत लाइन, शनि धाम की पांचवी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई, अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के तोड़े ताले, पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण के लिए की नारेबाजी। अब समाचार विस्तार से। जालौर जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई द्वारा विगत 2 वर्षों में जालौर में अर्जित की गई उपलब्धियों की 2 वर्ष जन सेवा के जालौर जिला दर्शन पुस्तिका 2020 का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन करते हुए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जालौर जिले में 2 वर्षों में कई सारे जनहित व विकास के कार्य किए गए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा 2 वर्षों में अर्जित की गई उपलब्धियों को इन पुस्तक में संकलित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित 2 वर्ष जन सेवा के जालौर जिला दर्शन 2020 पुस्तिका आमजन के लिए उपयोगी होगी। जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों के घर जाकर ली जानकारी। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शनिवार को सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत पेंशन एवं पालनहार योजना के लाभार्थियों के निवास पर मुलाकात कर योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिला कलेक्टर गुप्ता ने विधवा एवं विशेष योग्य जन अमिया देवी पत्नी स्वर्गीय नीरा राम निवासी न्यू रामदेव कॉलोनी जालौर, पेंशनर्स धनकी देवी पत्नी भवन लाल भील निवासी रामदेव कॉलोनी एवं पालनहार मंजू देवी पत्नी सुखदेव राव निवासी पुराना लेटा के घर जाकर योजनाओं के बारे में लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने खाद्य सुरक्षा से अनाज प्राप्त करने एवं जलापूर्ति के बारे में भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की। प्रेस वार्ता में विकास कार्य की दी जानकारी। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने 2 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों एवं उपलब्धियों से मीडिया कर्मियों को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। बढ़ते हुए राजस्थान को और आगे बढ़ाने में हम सभी का योगदान होना चाहिए। बैठक में मीडिया कर्मियों द्वारा जालौर में लेटा मार्ग पर ROB का कार्य जल्द स्वीकृत करवाने, स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का कार्य जल्द प्रारंभ करवाने, नर्मदा का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने, विद्युत पेयजल की जन समस्याओं तथा जालौर के विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, जिस पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री ने जालौर के विकास में हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। अमर शहीद बिस्मिल उल्ला व सिंह का बलिदान दिवस मनाया। कन्हैयालाल मिश्रा की जानकारी के अनुसार अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खान व ठाकुर रोशन सिंह का 13वां बलिदान दिवस शनिवार को सुंदेलाव तालाब स्थित आर्यवीर दल के हनुमान व्यायामशाला में स्वामी चेतनानंद महाराज के सानिध्य में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता स्वामी चेतनानंद ने उपस्थित आर्यवीरों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में स्थित आर्य समाज की पट्टी में तपकर 2 नौजवानों ने राष्ट्र की बलि वेदी पर 19 दिसंबर 1927 को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ आर्य वीर दिनेश पालीवाल, प्रेम कुमार, सुल्तान खान, आफताब खान, अरविंद कुमार, कुसुम सुथार, नेहा सुथार, पार्थ मदान, कार्तिक सोनी सहित आर्य वीर उपस्थित थे। ATM मशीन खराब, ग्रामीण परेशान। भरत चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे की दोनों बैंक के ATM खराब होने से लोग परेशान।
उम्मीदाबाद कस्बे समेत आसपास के गांवों के लोगों के नकद लेन देन का एकमात्र सहारा एवं कस्बे के सबसे बड़ी बैंक शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम पिछले 10 दिनों से तकनीकी खराबी के चलते बंद पड़ा है। इस वजह से कस्बे समेत दूर दराज से पैसों के लेन देन के लिए आने वाले लोगों को कई प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ता है। उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत करवा दिया है, अति शीघ्र इस समस्या के समाधान की बात की है। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वार्ड संख्या 14 के जिला परिषद सदस्य गोपाल चौधरी की जीत की खुशी में आहोर ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सगनो देवी वार्ड नंबर 18 गांव भूती की भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सगनो देवी की जीत की खुशी में भूती एवं कवला ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विमल पॉलीमर्स, क्वालिटी हमारी भरोसा आपका, मजबूत टिकाऊ चले सालों साल। ओरिएंट टैंक और पाइप, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। ओरिएंट का वादा शुद्धता व मजबूती ज्यादा। ओरिएंट ग्रुप, विमल पॉलीमर्स, जयपुर। कस्टमर केयर नंबर 9772336609 व मोबाइल नंबर 8003532331। अहम इलेक्ट्रॉनिक्स। टीवी, एलईडी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, फैन, होम अप्लायंस, सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक ही छत के नीचे। फाइनेंस की सुविधा, एक बार अवश्य पधारें। अमन देवेंद्र मेहता, अरहम इलेक्ट्रॉनिक्स, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मानपुरा कॉलोनी, जालोर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9460767711। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पंचमुखी पर्वत पर जारी होने वाले खनिज पट्टों पर हाईकोर्ट की रोक। जसराज पुच्छल पाचोटा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जालोर जिले के ग्राम पंचायत पाचोटा के पंचमुखी पर्वत पर खनिज व भू विज्ञान विभाग द्वारा जारी खनिजों व खनन पट्टे खुली ई नीलामी विज्ञापित पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता नरपत सिंह की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर युवराज सिंह ने कहा है कि पंचमुखी पर्वत पर एक पहाड़ है जो कि क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक है। इस पहाड़ पर 14वीं सदी में लोक देवता तल्लीनाथ ने तपस्या की थी पर उनका मंदिर इस पहाड़ पर स्थित है। यह क्षेत्र का एकमात्र पहाड़ है। यहाँ पर नागणेची माता स्थित 8-9 मंदिर है, समाधि व धुनी भी स्थित है। इसके अलावा इस पहाड़ी की चोटी पर होलिका दहन स्थल भी स्थित है जहाँ पर प्रतिवर्ष होलिका दहन होता है और आसपास के क्षेत्रों के लोग होलिका का दर्शन करते हैं। इस बात से ग्रामवासियों में आक्रोश था कि बिना सार्वजनिक परामर्श के खनन पट्टे कैसे जारी किए जा रहे हैं जबकि यह पहाड़ उनकी आस्था का प्रतीक है। नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का स्वागत समारोह आयोजित। जगमासिक राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार मोदरान के निकटवर्ती जसवंतपुरा पंचायत समिति के जिला परिषद जालोर के वार्ड संख्या 25 से क्षेत्र के बासरा धनजी से विजय प्रत्याशी सुखी देवी धर्मपत्नी शिवनाथ सिंह राजपुरोहित के द्वारा गांव में स्थित भुवेश्वरी माताजी मंदिर पर रविवार को पंचायती राज चुनाव के तहत नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का अभिनंदन एवं धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया। समारोह में आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, बेनमाल विधायक पुराराम चौधरी, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, जिला प्रमुख राजेश कुमार राणा, पूर्व जिला प्रमुख बन्ने सिंह गोयल, आरएलपी जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह बालावत, धनाराम राजपुरोहित सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने शिरकत की। समारोह में नव निर्वाचित पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य सुखी देवी ने आमजन का आभार जताया। इस मौके पर जालोर जिले के सभी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का माला साफा व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। घरों की छतों पर पोल लगाकर निकाली हैवी विद्युत लाइन। भरत चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार सायला ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 2 भैरू कॉलोनी में रहने वाले कई लोगों को घरों के ऊपर से विद्युत हैवी लाइन गुजर रही है जो जलदाय विभाग के ट्यूबवेल के लिए तो वहीं दूसरी बड़ी लाइन थलवाड़ फीडर पर जाती है जो 24 घंटे विद्युत चालू रहती है जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने कई बार विद्युत विभाग को लाइन हटाने के लिए अवगत करवाया लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिस पर सरपंच ने विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने पर विभाग द्वारा डिमांड राशि भरने की बात कही है।
खनी धाम की पांचवी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। वरुण माहेश्वरी की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के भीमा फाटक के बाहर स्थित सनी धाम सनी देव मंदिर की पांचवी वर्षगांठ पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम जागरण अनुष्ठानों के साथ धूमधाम से मनाई गई। वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शनिवार रात्रि को एक शाम सनी देव एवं गोगा जी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शनिदेव का तेल से अभिषेक किया और तिल काली उड़द आदि व्यंजनों का भोग चढ़ाकर मनौतियां मांगी। रात्रि में भजन कलाकार रमेश प्रजापत एवं बीजा राम चौधरी सहित स्थानीय कलाकारों द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत करने के बाद शुरू हुए जागरण में कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान रमेश बोहरा, भूप सिंह डाबी, खुमाराम चौधरी, सरदार सिंह सोलंकी, मोहनलाल सेन, प्रभु सिंह परिहार, देवाराम सेन, सोनाराम प्रजापत सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के तोड़े ताले। महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के निकटवर्ती पावली गांव में शुक्रवार रात्रि को 3 दुकानों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने किराना सामान व कुल्ले में रखे कुछ नकदी चुरा कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार गजाराम चौधरी, गणेशाराम चौधरी एवं रूपाराम पुरोहित की दुकान में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर दुकान में रखे किराना व गले में रखे कुछ नकदी पर हाथ साफ कर दिए। इसके साथ ही चोरों ने लक्ष्मण माली, मगन सिंह राव, सालूराम देवासी, उदाराम देवासी की दुकानों के ताले तोड़ने का प्रयास भी किया। घटना की जानकारी मिलने पर थाना अधिकारी मनीष सोनी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस दौरान विधायक नारायण सिंह देवल, सरपंच करदाराम चौधरी, भाजपा पशुपालन मंडल अध्यक्ष सालूराम देवासी सहित दुकानदार व ग्रामीण मौजूद थे। पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण के लिए की नारेबाजी। पूरण सिंह काबावत की जानकारी के अनुसार पंचायत सहायक संघ जालोर ने जिला अध्यक्ष अमरदास बागरा के नेतृत्व में प्रभारी मंत्रियों को ज्ञापन दिया। संघ के मीडिया प्रभारी पूरण सिंह काबावत आकोली ने बताया कि आज जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को घेर कर उनके सामने जबरदस्त नारेबाजी की गई। पंचायत सहायकों का नियमितीकरण जल्द करो जल्द करो, राजस्थान सरकार होश में आओ होश में आओ जैसे गगनभेदी नारों से एक बार प्रशासन भी हरकत में आया, फिर पुलिस अधीक्षक ने बड़ी मुश्किल से शांत किया। इस बैठक में जालोर ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़, कोषा अध्यक्ष ठाकरा राम, अचला राम मेघवाल, सचिव दिनेश कुमार गर्ग, रूप सिंह धवला सहित सैकड़ों पंचायत सहायकों ने भाग लिया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज जालोर शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।